स्वागत है। हमारा राष्ट्र ध्वज कहां कहां तक पहुंच गया आपको बताता हूं, एक छंद प्रस्तुत करता हूं। स्वागत है। भैया आशीर्वाद चाहता हूं कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा। लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा। और जन गण मन वंदे मातरम धुनिस की, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। जन गण मन वंदे मातरम धुनिस की, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। और भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया। झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा। और कुर्बानी रंग लाई, दुल्हन आजादी की आई, लाल चौक पर फहरा सम्मान का तिरंगा। कार्यक्रम का नाम है सलामे कश्मीर। चार साल पहले कविता लिखी, पूरी दुनिया में वायरल हो गई, उसी कविता से जोड़ना चाहता हूँ। 7 लाख लोगों को आप रातों रात 90 के दशक में भगा दोगे और ये देश मौन हो जाएगा। देश की गद्दी पर कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आना था जो उस नासूर को काटता। पंक्तियां रखता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपकी जनता को। बाबा बैठे, बुजुर्ग बैठे, बीजेपी के शर्मा जी बैठे, सीधे सीधे नमन करता हूँ कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए। तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों ललकार तो उन लोगों को, आखिर क्या करना चाहिए था उन लोगों को? कैसे भाग गए कश्मीर की घाटी छोड़कर 7 लाख लोग? कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, और केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। कि दुश्मन की छाती पर जाकर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपकी ऊर्जा को। मुझे लग रहा है कि देशभक्तों के रूप में पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा है। कि अरे पंडितों की, दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम, तो पाक का झंडा ना होता पाकिस्तान का। कि पाक का झंडा ना होता इस हिंदुस्तान की माटी में, हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। हर हर महादेव के नारे, बाबा नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, लगते कश्मीरी घाटी में। अब ना कालिया के फन पर प्रहार हुआ है भारत में, क्या काम हुआ है उसके बाद, और अब क्या काम होना चाहिए? कि अब ना कालिया के फन पर प्रहार हुआ है भारत में, कश्मीर नासूर था उपचार हुआ है भारत में, कश्मीर नासूर था उपचार हुआ है भारत में। इतिहासों के काले पन्ने वापस जाकर बाचे हैं, यूं लगा कालिया के फन पर कृष्ण कन्हाई नाचे हैं। यूं लगा कालिया के फन पर भारत माता का जयकारा। साहब आपने यूं लगा कालिया के फन पर खुद कृष्ण कन्हैया नाचे हैं। बारूद भरा जो घाटी में फटना बहुत जरूरी था, धारा 370 का भी हटना बहुत जरूरी था, धारा 370 का भी हटना बहुत जरूरी था। 100 गंद पूरी कर डाली है जो शपथ उठाई मोदी ने। साहब एक फोटो देखना, 370 पर और आतंकवाद पर धरने धरा करते थे कभी मोदी जी, आज वो दौर आ गया, उनके हाथ में गद्दी आई तो क्या काम हुआ। तब जाके पंक्तियां रखता हूं कि 100 गंद पूरी कर डाली है शपथ उठाई मोदी ने, रावण की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी ने, रावण की लंका में घुसकर आग लगाई मोदी ने। और देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी है, देशद्रोह की छाती पर अंगद का पांव जरूरी था, संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी था, संविधान के पृष्ठों में इतना बदलाव जरूरी था। और अब देश क्या मांगता है? कि रहे तिरंगा हाथों में, रहे तिरंगा हाथों में, और इनकलाब की बोली हो जो भारत मुर्दा बात कहे उसके सीने पर गोली हो। जिंदाबाद। आपने जोरदार तालियां एक बार।